नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे जनसंख्या और आज अपना जनसंख्या का क्लास नंबर 2 है। ठीक है, जनसंख्या का पार्ट 2 है जो कि अपने लास्ट क्लास है आज। ठीक है, और इसी क्लास के साथ आपकी जो ज्योग्राफी है वो हो जाएगी कम्प्लीट और कुछ ही दिनों में आपको ज्योग्राफी की कम्प्लीट PDF बनाकर दे दी जाएगी। ठीक है, और कंप्लीट PDF के लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इन पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के सेंड कर देना। ठीक है विद्यार्थियों, तो जनसंख्या का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम और आज ही अपनी ज्योग्राफी हो जाएगी कंप्लीट। आज अपनी ज्योग्राफी की जो लास्ट क्लास है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा शुरू करना है उसको लेके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से ज़रूर शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं उनको बता दें कि इससे पहले जो अपने सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें लगने वाला राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर और आज राजस्थान की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सिलेबस में क्या क्या है वो आप सबको पता है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अब आगे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं। तो एक सेकंड, इसको रब कर देते हैं और शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 75.1% और शहरी है 24.9%। तो अब देखो, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो जयपुर में है। ठीक है, और उसके बाद में अलवर में है, उसके बाद में नागौर में और उसके बाद में उदयपुर में है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, उसके बाद में है थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब न्यूनतम की बात की जाए तो सबसे कम मतलब 33वें नंबर पर इसका आता है ग्रामीण जनसंख्या के मामले में, 32 पे इसका आता है, 31 पे इसका आता है और 30 पे इसका आता है। तो सबसे कम है जैसलमेर में, उसके बाद सेकंड कम है कोटा में, थर्ड कम प्रतापगढ़ और फोर्थ कम सिरोही। ठीक है, अब शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो जयपुर की है, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद कोटा, उसके बाद में अजमेर। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या का पूछे तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा। तो फर्स्ट कम मतलब 33वें नंबर पर ये, 32 पे ये, 31 पे ये और 30 पे ये। ठीक है, अब आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है बांसवाड़ा में। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहे हैं, ओके, ये प्रतिशत के हिसाब से, इस पे थोड़ा गौर करना। तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बांसवाड़ा में, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में और राजस्थान में शहरी जनसंख्या का जो न्यूनतम प्रतिशत है वो है प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब देखो, राजस्थान में जनघनत्व 200 है पूरे राजस्थान का एवरेज। और देखो, सर्वाधिक जयपुर का 595 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई का यदि स्क्वायर बनाया जाए तो एवरेज उसमें 200 पीपल है। ठीक है, राजस्थान में जयपुर का सर्वाधिक है, फर्स्ट नंबर पर जयपुर आता है जनघनत्व में 595, भरतपुर आता है 503 पर और दौसा थर्ड नंबर पर ही आ जाएगा और अलवर आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूनतम की बात की जाए तो जैसलमेर का न्यूनतम है 33 पे ये, 32 पे ये, 31 पे ये और 30 पे ये। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है वो जैसलमेर के बराबर है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब एक दशक में 10 साल में राजस्थान में जनसंख्या बढ़ जाती है 21.3%। ठीक है, अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है, तो बाड़मेर में पिछली बार की जनगणना के मुकाबले जब 2011 में जनगणना हुई तो 32.5% वृद्धि हुई, जैसलमेर में 31.8% वृद्धि हुई, जोधपुर में 27.7% और बांसवाड़ा में 26.5% वृद्धि हुई। अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर क्या कहाँ है, तो सबसे कम वृद्धि हुई गंगानगर में, उससे बाद में 11.7, झुंझुनू में, पाली में 11.9 और बूंदी में 15.4। अब देखो, राजसमंद जिला है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है जो कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर के बराबर है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके बराबर जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है, तो वो राजसमंद की है। ठीक है, राजस्थान के जनगणना इतिहास में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी 1971 से 1981 के बीच में। ठीक है, मतलब इसमें जो जनगणना है 10 सालों में, इन 10 सालों में 32.97% की वृद्धि हुई और न्यूनतम वृद्धि हुई थी 1911 से 1921 के बीच 6.29%। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट लिंगानुपात। तो अपने राजस्थान का लिंगानुपात 928,
सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है, डूंगरपुर का है आपका 994, राजसमंद का है उसके बाद में 990, पाली का है 987 और प्रतापगढ़ का है 983, ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात है वो धौलपुर का है 846 और जैसलमेर का है 852 और करौली का है 861 और भरतपुर का है 880, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये डाटा है सीधा शिशु लिंगानुपात। तो शिशु लिंगानुपात है वो मेनली देखो, सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा का 934, उसके बाद में प्रतापगढ़ का है 933, भीलवाड़ा का है 928, उदयपुर का है 924 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात हो तो झुंझुनू का है 837, बहुत ही दयनीय स्थिति है। सीकर का 848, करौली का 852 और गंगानगर का 854, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो राजस्थान में साक्षरता दर ओवरऑल राजस्थान की है 66.1%, कितनी है 66.1%। अब देखो इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की है 76.6, जयपुर की है 75.5, सीकर की है 71.1% और उसके बाद में झुंझुनू की है 74.1 इस डाटा को देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना, आप इस डाटा को अपन रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। इसमें आप सिक्कर का है जैसे 71.9% और झुंझुनू का है आपके 74.1%, इसको ऊपर डालना है, यहाँ पर रखना है और इसको नीचे रखना, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसका आता है, सेकंड इसका आता है और इसका आता है आपका थर्ड और इसका आता है फोर्थ नंबर, ठीक है। ये डाटा ऐसे है और एक डाटा और है वो मैं आपको बता दूँ, चलो बाकी तो सही है। न्यूनतम साक्षरता दर जालौर की 54.9, सिरोही की 55.3, प्रतापगढ़ की 56 और बांसवाड़ा की 56.3%। अब आती है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक है झुंझुनू की 86.9, कोटा की 86.3 और ये है 86.18% जयपुर की। प्रतापगढ़ की न्यूनतम है 69.5 और उसके बाद बांसवाड़ा, सिरोही और जालौर का ऐसे सीक्वेंस है। ये इतना डाटा डिटेल से आपसे नहीं पूछा जाएगा, मोटे मोटे तौर पर ही पूछा जाएगा। महिला साक्षरता ओवरऑल 52.1% है, सर्वाधिक कोटा की है 65.9, जयपुर की 64% एंड झुंझुनू की है 61% और उसके बाद गंगानगर की। न्यूनतम में आता है जालौर 38.5% महिलाएं वहाँ पर क्या है साक्षर है, उसके बाद जैसलमेर का, उसके बाद सिरोही और उसके बाद में बाड़मेर। अब देखो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं। शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म पर नवजात, मतलब जो नवजातों का जन्म होता है 1000 जीवित जन्म पर एक वर्ष या उससे कम आयु के शिशु की मृत्यु, मतलब 1000 बच्चों पर, 1000 जीवित बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस पर कितना है? मतलब नवजात बच्चों की ऐसे डेथ हो जाती है वो भी एक वर्ष से कम आयु वाले, ठीक है। तो वो है 47 है अपने यहाँ, 47 है शिशु मात्र जो शिशु मृत्यु दर है वो। और मातृ मृत्यु दर, तो मातृ मृत्यु दर है वो 1,00,000 जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु, कि भाई 1,00,000 जैसे मतलब डिलीवरी वगैरह हुई उसमें 1,00,000 जो जीवित बच्चे पैदा हुए तो उन पर कितनी माताओं की डेथ हो गई, तो वो है 244, इसे कहते हैं मातृ मृत्यु दर, ये होती है शिशु मृत्यु दर, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसी के साथ ये आज अपने जनसंख्या वाला टॉपिक कंप्लीट है, जनसंख्या का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, क्लास नंबर 34 कंप्लीट हो गई और इसी के साथ आपकी ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा शुरू करना है उसको लेकर आप सजेस्ट जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि आपका फर्स्ट पेपर है जीके वाला, फर्स्ट पेपर जीके, उसको लेकर के आपके टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज आज से ही शुरू करेंगे। आज शाम को आपको पहला टेस्ट आएगा, आज शाम वाले पहले टेस्ट का टॉपिक क्या है वो मैं बता दूं। टॉपिक है आपके जो लोक देवी और देवता, लोक देवी एंड देवता विथ संत संप्रदाय, विथ संत संप्रदाय, इनको लेकर के आपका टेस्ट लेंगे और टेस्ट में क्वेश्चन रखेंगे आपका लगभग ये मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन रखेंगे, या तो 10 आप बता देना, ऑप्शन ए 10 क्वेश्चन रखें, ऑप्शन ए 10, यहाँ पे साफ पेज पे ले लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट है आज शाम को और कल्चर का टेस्ट है, कल्चर शुरू कर रहे हैं सबसे पहले और कल्चर में आपके सबसे पहले लेते हैं संत और संप्रदाय, टॉपिक बता देता हूँ, संत संप्रदाय और लोक देवी देवता, देवी देवता।
अब इसमें कितने क्वेश्चन का टेस्ट रखें, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में आप बता देना कितने रखने हैं, ठीक है, इसका आप जवाब दे देना। और देखिए अब अपने चैनल पर अभी तक क्या क्या अपलोड है तो इसको लेकर भी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो आइए अपन अपने चैनल पर चलते हैं। तो ये चैनल है अपना, ठीक है, ये आईपैड में इस प्रकार का दिखाई देता है कुछ, ठीक है, ये चैनल है अपना। और अब इसमें चलते हैं प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में देखो गणित की शिक्षण विधियाँ, यहाँ पर गणित की शिक्षण विधियाँ अपलोड की जा रही है। तो गणित की शिक्षण विधियाँ देखो क्लास नंबर 8 तक आ गई और आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगी। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल, देखो ये आपकी भूगोल की एक से लेकर सिक्वेंस से क्लास डाली हुई है, ठीक है। तो अब आज इसमें और वीडियो आ जाएगा आपका, क्लास 33 तक आई हुई है, आज अपना क्लास 34 आ जाएगी। इसके अलावा देखो ये साइकोलॉजी, ये रीट वालों के लिए चलाई थी, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। और अपनी जो साइकोलॉजी वो बता देता हूँ, ठीक है, देखो अपनी ये सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी यहाँ पर है। तो साइकोलॉजी में आपके इतने वीडियो तो इसमें डाले हुए, एक सेकंड रुकना, इतने वीडियो डाल रखे हैं इसमें। और अब ये ना ये सेकंड यूनिट आधी छोड़ी हुई है तो इसको भी अपन बहुत जल्दी प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब देखो आपकी ये राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसको लेकर 60 वीडियो अपलोड किए, ठीक है, टोटल 60 वीडियो अपलोड किए हुए, यहाँ पर जाकर आप आराम से इन वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपके, देखो सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन किए हुए हैं, ये देख सकते हो। और इसके अलावा राजस्थान का इतिहास अपलोड कर किया हुआ, देखो पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास डाला हुआ है, ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये चीज़ थी, तो चलिए वापस चलते हैं अपने यहाँ पर। तो विद्यार्थियों बताइए कैसा लगा, आपने विजिट किया चैनल पर, कैसा महसूस हो रहा है आपको, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बना सकें, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।